Hello students, in this video lecture we'll be studying distance and displacement in case of circular motion. ठीक है, तो मेरे पास एक सर्कल है, सपोज इसका रेडियस r है, ये इसका सेंटर है. ठीक, r इज रेडियस ऑफ द सर्कल. अब सिंपल सी बात है, इफ आई एम मेकिंग वन रेवोल्यूशन, तो इन वन रेवोल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर होगा? पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2πr, जितना इसका सर्कमफ्रेंस है. मैंने 2 रेवोल्यूशन किए, तब कितना डिस्टेंस होगा? 2 इंटू 2πr. 3 रेवोल्यूशन में 3 इंटू 2πr. तो अगर मैं n रेवोल्यूशन कर रहा हूँ, n, तब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देन द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस विल बी n इंटू 2πr, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल. मान लो मैंने 100 रेवोल्यूशन किए. एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, सपोज सर्कल है, उसका रेडियस है 7 मीटर. ठीक, और 100 रेवोल्यूशन कोई बंदा कर रहा है उस सर्कल के, सर्कुलर पाथ के. तो किसी ने पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लगा दो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू n इंटू 2πr. वैल्यू आप पुट कर दो लाइन से, n कितना दिया है 100 इंटू 2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 22, 44 100 मीटर. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अच्छा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 1/2 भी हो सकता है, 1.5, 1, कोई भी वैल्यूज की हो सकती है. ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल है. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन. तो जस्ट सपोज ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अभी अपन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट कर रहा है और घूम कर एक चक्कर मार रहा है, एक चक्कर मारेगा तो अगर ए से स्टार्ट करेगा तो वापस ए पर आ जाएगा. उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. तो अगर सर्कुलर मोशन में कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहे हैं, चाहे एक हो, चाहे 1000, चाहे 10000, चाहे 10 लाख, डिस्प्लेसमेंट आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है? 0. तो फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो इफ यहां पे आप लिख देना पहला पॉइंट कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. सेकेंड केस आते हैं, अगर आधा रेवोल्यूशन होता है, हाफ रेवोल्यूशन. ठीक, मान लो मैं ए पर हूं, ए से मैं कहां जाऊंगा? बी पर, है ना, हाफ रेवोल्यूशन. अच्छा, हाफ में 2 1/2, 3 1/2, 10 1/2. तो मान लो सपोज 10 1/2 रेवोल्यूशन दे दिया, मतलब 10.5 रेवोल्यूशन. तो 10 रेवोल्यूशन तक तो वापस ए पर आ जाएगा, बचा कितना? आधा रेवोल्यूशन. तो फिर से वापस वो बी पर ही आएगा. ठीक है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम? जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन. ये तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये सर्कल का क्या है? दिस इज डायामीटर. तो इन केस ऑफ हाफ रेवोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट, इसको याद कर लेना, इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल. तो सपोज इस सर्कल का रेडियस 7 है और हाफ रेवोल्यूशन हुआ, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 7 × 14. ठीक है, थर्ड केस अपन देखते हैं, इसको याद कर लेना, बहुत इजी है. अब सपोज 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा है, द रेवोल्यूशन इज 1/4 रेवोल्यूशन. ठीक, 1/4 रेवोल्यूशन मतलब अगर ए से स्टार्ट करेगा तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, सपोज यहां पहुंच गया सी तक, ये दिस इज द फाइनल पोजिशन, ये इनिशियल है, ये फाइनल है. जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये आपने जॉइन कर दिया. ठीक है, ये सर्कल का रेडियस आर है, ओ ए,
और OC भी सर्कल का रेडियस R है। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो ट्राइंगल AOC है ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल AOC आपका डिस्प्लेसमेंट AC है, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA कितना है? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा? इसका रूट यहाँ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2R स्क्वायर। R स्क्वायर बाहर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा R रूट 2। तो सपोज एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग या कंप्लीटिंग, सपोज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दिए 6.25 इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। अब बोल दिया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। कैसे करेंगे? देखो 6 तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। फिर बचा 1/4, वही है ना, 0.25 बोलो या 1/4 बोलो, बात एक ही है। फिर बचा 1/4 रेवोल्यूशन, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। आप इसको याद कर लो, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो R कितना दिया है? 7, और ये रूट 2, तो आपका आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट इज 7√2। हो गया। नेक्स्ट केस है द फोर्थ वन। फोर्थ वन कहता है, इसको मैं कहाँ लिख दूँ, ये पे लिख देता हूँ फोर्थ वन, कि वेन 3/4 रेवोल्यूशन हो रहा है, 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 मतलब देखो सर्कल के चार क्वार्टर होते हैं, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर, ठीक है। दीज आर द फोर क्वार्टर्स ऑफ अ सर्कल। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 3/4 मतलब ए से चालू कर रहा है अगर, तो कहां तक जाएगा? यहां तक। ये तीन क्वार्टर मूव करेगा, डी तक आ गया मान लो, ठीक है। अब अगर यहां भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज द फाइनल पॉइंट डी, जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये OD रेडियस हो जाएगा और OA भी रेडियस हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। आपका आंसर सेम आएगा, कितना आएगा? R√2। तो आपको सीधे लिख देता हूं, AD आएगा R√2। केवल डिफरेंस क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन का है। यहां पे डायरेक्शन, अगर मैं यहां पे डायरेक्शन बनाता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है साउथ ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा 1/4 में भी और 3/4 में भी, बट जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट आएगा। अब मान लो किसी ने सवाल दे दिया, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन 10.75 रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने दे दिए? 10.75। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देखो, 10 तक तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 0। फिर बचा 0.75। 0.75 मतलब 3/4, है ना, 3/4 होता है ना, 75%। तो वही है, 3/4 का सीधे आप आंसर लिख दोगे R√2। तो अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो आपका आंसर आ गया 7√2। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और उसका आंसर आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके इन द कमेंट सेक्शन, ठीक।
काफिराना सा है इश्क है या क्या है, जैसे तुम मिले हो, जैसे तुम मिले हो वैसे मिल रही है इत्र से हवा। यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन है, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तुझे अपना बना लूँ, तुझे खुद से छुपा लूँ, तुझे खुद में फंसा लूँ साहिबा, एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा। मरने चाहूँ क्या रह न पाऊँगा, तुम चुदाई का सह न पाऊँ, है तुझे प्यार का वास्ता। सो दिस इज द क्वेश्चन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आर गिवन एंड यू हैव बीन गिवन अ सर्कल, ठीक है, अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 मीटर। तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, 4.5 रेवोल्यूशन, 8.25 रेवोल्यूशन एंड 10.75 रेवोल्यूशन। सॉल्व इट एंड प्लीज टेल मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।